उसके बाद मैयर कैसे केडर, इसके इंडेक्स देख लें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये तीन बेसिक इंडिकेटर हैं बड़े, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ में फर्दर दो इंडिकेटर हैं, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। हेल्थ के फर्दर दो इंडिकेटर्स हैं, यानी ये तीन को, हेल्थ को, एजुकेशन को और लिविंग स्टैंडर्ड को 1/3 इनका मेजर इसका काउंट किया जाता है, यानी जब आप इसको वेटेज देंगे तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे इनके स्कोर, इसी कैसे एजुकेशन को, इस तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड। तो 1/3 हेल्थ का आ गया, 1/3 एजुकेशन का आ गया और 1/3 ही लिविंग स्टैंडर्ड का आ गया। अब जरा अगर आप चले, इनको सब कैटेगराइज किया जाता है हेल्थ को न्यूट्रिशन में और चाइल्ड मोर्टेलिटी में। न्यूट्रिशन का मतलब, यानी आप हाउस होल्ड से पूछेंगे क्या आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जिसको, जो गजाई किल्लत का शिकार, जिसको प्रॉपर गजा नहीं मिल रही, एक बंदा भी कोई ऐसा है? अगर तो कोई एक बंदा भी ऐसा है तो आप उसको एक स्कोर अजाइन कर देंगे लाइक 100, यानी डिप्राइव है वो। इसी के से चाइल्ड मोर्टेलिटी में भी आप पूछेंगे कि क्या आपके घर में कोई बच्चा जो 5 साल से पहले फोत हो गया हो, किसी भी वजह से, किसी बीमारी से, किसी मसले से, तो 5 साल से पहले एक फोत होने वाला बच्चा घर में, कोई ऐसा वाक्य हुआ है कि 5 साल से पहले एक उम्र में कोई बच्चा फोत हो गया? अगर वो हुआ तो वहाँ भी इसका मतलब जो है महरूमी वहाँ पर मौजूद है, वो डिप्राइव है हेल्थ फैसिलिटी से। तो ये दो, अच्छा अब इन दोनों को चूंकि टोटल 1/3 करना है तो दोनों को वेटेज दे देनी है 1/6 न्यूट्रिशंस की, 1/6 ही चाइल्ड मोर्टेलिटी की, दोनों की दे देनी। उसके बाद आ रहेगी एजुकेशन। एजुकेशन में यानी एयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। एयर ऑफ स्कूलिंग से क्या मुराद है? एयर ऑफ स्कूलिंग से मुराद है कोई बच्चा ऐसा कि जो प्राइमरी, कोई बंदा ऐसा आपके घर में जो प्राइमरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर सका, यानी जो 5-7, 5वीं क्लास से पहले पहले स्कूल छोड़ गया। अगर ऐसा है, इसका मतलब वो गरीब है, वो पुअर है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर गरीब नहीं है। अगर कोई भी बच्चा, सारे लोगों ने 5वीं क्लास कम अज कम पढ़ी है, तो फिर इसका मतलब कि वो उनके पास इतने पैसे थे कि वो बच्चों को पढ़ा सके। अगर वो 5वीं क्लास से पहले पहले छोड़ गए, इसका मतलब वो गरीब है कोई बच्चा उसमें। दूसरा इंडिकेटर स्कूल अटेंडेंस का, क्या घर में कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो ऐसा बच्चा मौजूद है जो स्कूल जाने की उम्र में है और वो स्कूल नहीं गया? ऐसा बच्चा क्या घर में कोई मौजूद है जो स्कूल जाने की उम्र का है और स्कूल नहीं जा रहा, तो उसको भी हम पॉवर्टी में गिनेंगे। तो इनमें भी हम नंबर देंगे इसको 1/6 इनकी वेटेज देंगे, क्योंकि एजुकेशन की टोटल वेटेज 1/3 है, तो इसको मजीद 2 हिस्सों में तकसीम करोगे तो 1/6 बन जाएगी एयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक हो गया बात समझ में आ? तो ये इन दोनों की 1/6, 1/6, 1/6 चार इंडिकेटर को 1/6 मेजर करेंगे तो टोटल 2/3 बन जाएगी हमारे। लास्ट पे है लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए 6 चीजें 6 सब कैटेगराइज उनको किया गया 6 चीजों में। नंबर 1 कुकिंग फ्यूल, नंबर 2 इंप्रूव्ड सैनिटेशन, नंबर 3 सेफ ड्रिंकिंग वाटर, नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 5 फ्लोरिंग और नंबर 6 एसेट ऑनरशिप। कुकिंग फ्यूल, घर में खाने के लिए तेल, खाना पकाने के लिए ऑयल जो ना वो आपको मुयसर होता है, अवेलेबल होता है, ये आप इसके अल्टरनेटिव कोई इस्तेमाल चीज़ें करते हैं। अगर अवेलेबल है तो आपका स्कोर 0 हो गया, यानी पॉवर्टी नहीं है। अगर कुकिंग फ्यूल अवेलेबल नहीं है तो फिर आपका स्कोर 100 हो गया कि आप यहाँ पर पॉवर्टी अवेल करते। इम्प्रूव सैनिटेशन, सफाई किस होते, सीवरेज, वाटर सैनिटेशन, ये आप निकासी, आप सफाई आपको मैसर है, सफाई आपकी होती है, यहाँ पे वाशरूम वगैरह हैं। अगर हैं तो पावर्टी नहीं है, मतलब 0 पावर्टी होगी। अगर नहीं है आपको सैनिटेशन की जरूरत है तो 100 स्कोर होगी। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए साफ पानी आपको मैसर है, मिलता है आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। अगर है तो पावर्टी नहीं है, 0 पावर्टी होगी, और अगर नहीं मिलता तो 100 होगी। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आपको मैसर है, बिजली आपके पास है, इसी तरीके से इसका भी 0-100। फ्लोरिंग, आपका फर्श पक्का है, मकान पक्का है, क्योंकि फर्श तो तभी पक्का होगा जब मकान पक्का होगा, ये नहीं हो सकता कि मकान कच्चा हो फर्श पक्का हो। तो ये फ्लोरिंग मतलब कि आपने पक्के घर में रहते। एसेट ओनरशिप,
कोई एसेट है, कोई फ्रिज है, टीवी है, कोई बाइक है, कोई गाड़ी है, इस तरह की कोई ऑनरशिप एसेट है आपके पास है, फ्रिज है, ओवन है, टीवी, इस तरीके की एसेट है। अगर कोई एसेट है तो उसका मतलब वो गुर्बत नहीं है, अगर एसेट नहीं है तो। अब इन छः को, ये टोटल छः इंडिकेटर है, तो एक बड़ा तीन को मजीद छः हिस्सों में तकसीम करोगे तो हर इंडिकेटर को एक बड़ा अठारह का वेट आए वेट आएगा, यानी कुकिंग फ्यूल का जो जवाब आएगा उसको आप एक बड़ा अठारह से ज़रब दें। इम्प्रूव सैनिटेशन का जो आएगा जवाब उसको आप एक बटा अठारह से ज़रब देंगे। सेफ ड्रिंकिंग वाटर का जो आएगा उसको एक बटा अठारह से ज़रब देंगे। इलेक्ट्रिसिटी का जो आएगा उसको एक बटा अठारह से ज़रब देंगे। फ्लोरिंग का जो आएगा उसको आप एक बटा अठारह से ज़रब देंगे। एसेट ओनरशिप का जो आएगा उसको भी आप एक बटा अठारह, तो इस तरीके से आप उसको मैयर करते जाएंगे। तो जब आप मैयर कर लेंगे फिर आप उनको कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का इंडेक्स आ जाएगा। अब उसमें गरीब कौन है, याद रखें जिस बंदे का स्कोर 33 या 33 से ज्यादा होगा उसको हम समझेंगे कि ये मल्टी डायमेंशनली पुअर है, और जिस बंदे का स्कोर 33 से कम होगा, 33 से कम तभी होगा जब इसमें से अक्सर के आंसर जीरो होंगे। जब इसमें से अक्सर के आंसर जीरो होंगे इसका मतलब पॉवर्टी उसमें प्रिवेल नहीं करती है। जब प्रिवेल नहीं करेगी तो आंसर 33 से कम आएगा, और अगर पॉवर्टी प्रिवेल करती जाएगी तो आंसर 33 से ज्यादा आएगा। तो इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं। आगे इसकी एक प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। जैसे ये हमने जो एक नॉर्मली सा बनाया है, कहता है पावर्टी अगर डेप्रिफेशन एग्जिस्ट करती है, यानी पावर्टी एग्जिस्ट करती है, महरूमी है, तो आप उस इंडिकेटर को 100 नंबर देंगे, 100% हो जाएगा। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप क्या करेंगे, उस इंडिकेटर को 0 नंबर देंगे। अगर पावर्टी इंडेक्स एग्जिस्ट करती है, डेप्रिवेशन वो महरूमी एग्जिस्ट करती है, तो आप उसको 100 नंबर देंगे। अगर नहीं करती है तो फिर आपको 0 देंगे कि यार आप तो कोई पावर्टी मौजूद नहीं है। अब इसको जरा देखते हैं। वेदर अ चाइल्ड डाइड बिफोर एज 5, क्या घर में कोई बच्चा 5 साल से पहले, 5 साल की उम्र से पहले फोत हो गया, अगर हाँ तो 100, नहीं तो 0, क्योंकि अगर महरूमी एग्जिस्ट करती है तो 100 नंबर, नहीं करती तो फिर 0 नंबर। वेदर एनी एडल्ट और चाइल्ड इन द फैमिली इज माल नरिश्ड, क्या इस घर में या फैमिली में कोई बच्चा या बड़ा, बालक या बच्चा, दोनों में से कोई बंदा भी ऐसा है जिस जो गजाई किल्लत का शिकार है, जिसको प्रॉपर गजाइत नहीं मिल रही। अगर एक बंदा भी ऐसा है तो इसका मतलब कि पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है, डेप्रिवेशन एग्जिस्ट करती है, अगर नहीं है तो फिर नहीं करती, फिर 0, अगर यस फिर 100, नहीं है तो फिर 0। तीसरा सवाल, वेदर नॉट इवन वन हाउस होल्ड मेंबर हैज कंप्लीटेड 5 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, क्या किसी एक बंदे ने भी 5 साल की उम्र से, 5 साल, 5वें साल की क्लास से पहले पहले, क्या घर में कोई भी बंदा 5वीं क्लास से पहले पहले स्कूल छोड़ा है किसी ने, क्या कोई ऐसा बंदा है जिसने प्राइमरी भी पास नहीं की। अगर ऐसा बंदा मौजूद है जिसने प्राइमरी पास नहीं की, इसका मतलब कि डेप्रिवेशन एग्जिस्ट करती है, तो 100 मार्क्स, नहीं ऐसा बंदा, सारे बंदे 5वीं क्लास से कम से कम ज्यादा पढ़े हैं, तो फिर 0 नंबर की यहाँ पे पॉवर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। वेदर एनी स्कूल एज चाइल्ड इज आउट ऑफ स्कूल फॉर ग्रेड्स 1 through 8, 8वीं क्लास तक के बच्चों में से कोई बच्चा ऐसा जो स्कूल जाने की उम्र में है लेकिन स्कूल नहीं जा रहा, क्या कोई बच्चा ऐसा है जो स्कूल गोइंग एज है, 8वीं क्लास तक की उसकी उम्र है और वो स्कूल नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा तो सारी बात गुर्बत की वजह से नहीं जा रहा, तो लिहाजा उसका नंबर भी 100 आ जाएगा। अगर जा रहे हैं, सारे बच्चे जा रहे हैं 8वीं क्लास तक सारे जा रहे हैं, तो फिर 0 आ जाएगा, वहां पर पॉवर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। अब आ रहे जी लिविंग स्टैंडर्ड पे, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है यानी बिजली नहीं है तो 100 नंबर, है तो 0 नंबर। इनसफिशेंटली सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इसी तरीके से 0 और 100। इनएडुकेट फ्लोरिंग, फ्लोरिंग नहीं है, घर पक्का नहीं है, कच्चा है। अनइम्प्रूव्ड कुकिंग फ्यूल ऑयल, अच्छा कुकिंग फ्यूल ऑयल नहीं आप इस्तेमाल कर रहे हैं, घटिया इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बुरा इस्तेमाल कर रहे हैं, सस्ता तरीन ले रहे हैं, तो भी ये पावर एग्जिस्ट करती है। लैक ऑफ मोर देन 1 of 5 assets, इन 5 assets में से कोई एक जो नहीं है आपके पास, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, बाइसिकल, मोटर बाइक और सिमिलर व्हीकल, मोटर बाइक के बराबर, यानी इन 5 assets में से अगर आपके पास एक एसेट नहीं है ड्यू टू पॉवर्टी, यानी एक तो है ना कि आप रेडियो खरीद सकते हैं लेकिन रेडियो आपने रखा ही नहीं, आपने LCD लगवाई हुई है तो रेडियो तो नहीं रखेंगे आप,
घर में नेट है, टेलीफोन है, मोबाइल है, बाइक है, रेडियो नहीं है, ऐसा नहीं। यानी रेडियो आप या टेलीविजन आप गुर्बत की वजह से नहीं रख रहे, अफोर्ड नहीं कर रहे, बाइक आप गुर्बत की वजह से अफोर्ड नहीं कर रहे, अफोर्ड ना करने की वजह से नहीं रखी। ये नहीं है कि घर में चार गाड़ियां खड़ी हैं तो बाइक नहीं है, तो गाड़ियां भी एसेट है। तो इसकी को व्हीकल अगर इस इन पांच एसेट में से कोई एक एसेट आपका कम है तो फिर आपको 100 नंबर असाइन करेंगे, अदरवाइज ये 0 नंबर हो जाएगा। तो अब इन सब को जो 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 चार पहले इंडिकेटर को तो 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगले जो 6 हैं उनको आप 1/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनको कंबाइन करेंगे। स्कोर अगर आपका आ गया 33 से बिलो तो आप फिर अमीर हैं, आप गरीब नहीं है। अगर 33 से प्लस आया तो फिर आप गुर्बत की शरह में हैं।